मेरे तो फेसबुक पे फोटो अपलोड करके, वो भी ऐसा फोटो जो कि बहुत इजी है लेकिन लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने दिमाग लगाया और यहाँ पर कमाई देखी $1100। ठीक है, ऐसे हर महीने ये अच्छा खासा पैसे कमाते हैं। इनके भी एक एक महीने की आप कमाई देखोगे ना, आप चौंक जाओगे कि वीडियो से ज़्यादा, रील से ज़्यादा ये फेसबुक पे फोटो अपलोड कर रहे हैं। वो भी फोटो कैसा, एकदम इजी फोटो, बस अभी तक किसी ने उस पर फोकस नहीं किया कि ऐसे फोटो पे भी पैसा कमाया जाता है। इंडिया में जुगाड़ियों की कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक दिमागदार बैठे हैं, एक से बढ़ के एक जुगाड़ करने वाले बैठे हैं, और ऐसे ही भाई साहब हैं जिनके दिमाग ने ना अच्छा खासा फोटो बनाया और अच्छा खासा पैसे कमाते हैं, मतलब नौकरी वोकरी फेल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बाकी चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि अपना नाम क्या है, आप कहाँ से हो। सबसे पहले भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने इस YouTube चैनल पर आने का मौका दिया। और मेरा नाम है भैया लक्ष्मण यादव और मैं जो है यूपी से हूं। और मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले जैसा कि मैंने दिखाया है कि हर एक लोगों से हट करके मैं जो फेसबुक पे पोस्ट कर रहा हूं और सबसे हट करके मैं पैसा कमा रहा हूं, जैसा कि आप भी ऐसा कंटेंट नहीं देखे होंगे जहां तक कि मैं उम्मीद करता हूं। तो जैसा कि भैया आप यहां, अभी मैं लोगों को यहां आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा एंड यहां से मैं फेसबुक को ओपन करके ये लोगों को दिखाता हूं। यहां पर देखिए $1136 की एक कमाई हो रही है और यहां पर देखिए नेक्स्ट प्लॉट अभी आने वाला है और यहाँ पर भैया ये सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, हमारे पब्लिक को दिखा दीजिएगा। और चलिए भैया आप जो है आपके जरिए हम लोग मिल करके इन पब्लिक को बताया जाए कि यहाँ पे जो ये नया कंटेंट हम डाल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं डाल रहा है, इसे कैसे बनाना है, कैसे आप लोगों को कमाना है, सारा प्रोसेस भैया हम सिखाएंगे, आपका हर एक सवाल का हम उत्तर देंगे। सही बात है, क्योंकि आपने एक नया कंटेंट लाया, अभी लोग देखेंगे, ठीक है, हो सकता है भाई सीखो, कोई बात नहीं, सीखना मेरा उद्देश्य है कि आप लोग सीखो, आपका फायदा हो, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कमेंट में लोग बोलते हैं सर ये तो बात ही नहीं हुआ। अरे जब वीडियो स्किप करके देखोगे तो मेन चीज़ तो स्किप हो जाएगा ना, तो वो कहोगे यार ये तो बात ही नहीं हुआ। इसलिए वीडियो को रख दो, मोबाइल को आराम से साइड में रख दो और पूरी बात को सुनो, समझो और अप्लाई करना अपने फेसबुक पेज पर। ठीक है, तो चलिए भाई थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आप फेसबुक से पहले आप करते क्या थे, क्या कैसे आपको आइडिया लगा फेसबुक के बारे में। देखिए भैया आपने ये सवाल जो पूछा है एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त पूछा है, और क्योंकि हर एक लोगों को जानना ये भी आवश्यकता होता है कि भाई जब ये फेसबुक पे आया तो आ कैसे गया, डायरेक्ट तो आया नहीं होगा, किसी ना किसी का सपोर्ट तो होगा ही। तो देखिए भाई अभी मैं बता दूं आपको कि मैं सन 2017 से यूट्यूब पे था और यूट्यूब के जरिए मैं भी वहां पर पहले तो वीडियो बनाता था अलग टाइप्स के ब्लॉग अलग जैसे, और जहां पर आपका जो चैनल था ना ये वाला, यहां से देखा कि बहुत सारे आप जो है फोटो जो वाले वीडियो शूट कर रहे हैं कि लोग फोटो डाल डाल के पैसे कमा रहे हैं, तो हमें अंदाजा नहीं था कि भाई ऐसा भी होता, बट हमने कहा चलो हम भी पेज वेज बनाते हैं। हमारा पेज था 2022 का शायद था वो पेज, मैंने बना के वैसे ही छोड़ दिया था, नहीं पेज नहीं प्रोफाइल था मेरा। तो हमने कहा चलो भैया जो है कि हम काम किया जाए, तो हमने काम चालू किया 23 के जो है दिसंबर में, और जब मैंने देखा कि नहीं इस तरीके का जो है चीज़ें है, तो हमने जब अपलोडिंग सिस्टम उस पर काम चालू किया तो रीच जब मेरे को एक मिला, एक फोटो पे लाइक आ गया अच्छा खासा, तो ये जो चीज़ें था मेरे को काफ़ी जो है कि मोटिवेशन प्राप्त किया, और सबसे ज़्यादा तो भैया आपका वीडियो ही हमें जो है सपोर्ट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपकी मेहनत है। देखिए बहुत सारे लोग जो इसी चैनल पर पॉडकास्ट को देखें और सीखें और आज इस चैनल पे इंटरव्यू भी दिए, मतलब बहुत ही कम समय में उन्होंने अच्छा खासा पैसे कमाए, क्योंकि कुछ जेन्युइन चीज़ें सीखा, ऐसा नहीं है कि कोई बनी बनावट बात है, आज जो बताएंगे आपको रियल बताएंगे, क्योंकि उन्होंने भी सीखा जीरो से ही है। तो जो बंदा पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखता है वो आपको सही चीज़ बताता है, जो चीज़ सीखने में आपको एक महीने लगेगी अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको 10 से 15 मिनट में वो चीज़ सीखने को मिल जाएगी। तो आप ये बताइए सर, जब आप इन सब से पैसा नहीं कमा रहे थे तो कहीं जॉब करते थे या फिर कुछ और करते थे, पढ़ाई करते थे, क्या करते थे आप? देखिए भैया हम लोग यादव लोग हैं, भैया यादव बिरादरी है, कृष्ण भगवान जी के हम लोग पूर्वज हैं, यही हम लोगों का काम है, मक्खन खाना, दूध पीना, दूध रेल करना है कि नहीं है। इसी के बीच में हम जो है ना कि 2018 पे मैं जब 17 से तो चैनल यूट्यूब का बनाया था, और जब मैं 17 से 18 में आया तो देख सकते हैं यूट्यूब पे भी बहुत लोग जो है कि वीडियो डाल डाल के पैसा कमा रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि भाई जब है कि कुछ किया जाए, हम भी ट्राई किया जाए, तो हमने यूट्यूब पे भी सहारा लिया, प्लस यूट्यूब से इनकम तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि फोटो भी डाल करके हम कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और जो फोटो भैया हम डालते हैं ना, आपको बताना चाहेंगे भैया कि हमारा जो फोटो है सबसे अलग रहता है, जैसे कि फिल्म उलिम आता है ना भैया, तो हम फिल्म उलिम देखते रहते हैं बीच में, हमारा काम है यही, जैसे भोजपुरी फिल्म आया, हिंदी फिल्म आया, कोई भी फिल्म जैसे नया लॉन्च हो गया तो हम उसमें देखेंगे, और वहां पर हम टारगेट ये करते हैं लव का, जैसे कि भैया आपको पता होगा आज के डेट में लव जो है बहुत ज्यादा चल रहा है, तो हम
हम यहाँ पर उसी सिस्टम को टारगेट करते हैं। जैसे देखिए केसारी भैया का, जैसे मान लीजिए एक फिल्म आता है तो उनका मैं देखूंगा कि वो काजल राघवानी को कहाँ प्रपोज कर रहे हैं, उन्हीं का मैं स्क्रीनशॉट लेके और उनका एक क्यूज बना दूंगा कि बताइए इस फिल्म में केसारी भाई ने जो है कि काजल राघवानी को कहाँ प्रमोट किया था, उनको कहाँ प्यार हुआ था, और मैं उस सीन को डाल दूंगा और उनमें से चार ऑप्शन रख दूंगा। जो लोग पूरा फिल्म देखेंगे उनको पता होगा भैया है कि नहीं है भैया। हाँ, उसके हाँ भैया, उसके बाद वो लोग वहीं पर रिप्लाई देते हैं हमको और उसी से जानते हैं भैया आप भी जब कमेंट आता है तो भाई फेसबुक को अच्छा लगता है कि नहीं, इसको जो है लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो और दबा के रीच भेजता है, जब लाइक आता है तो और दबा के रीच इंप्रेशन सब कुछ भेजता है, इसी तरीके से हमारा वायरल जाता है। और आज के डेट में तो भैया मैं फोटो में ना हर एक क्यूज को बना के डालता हूँ, जैसे ले लीजिए लाइक देन कार हो गए, इस तरीके की चीज़ें हो गए, क्यूज वाले चीज़ें हो गए, इंग्लिश वाले वर्ड हो गए, मतलब सब कुछ चक्की में घुसर देता हूँ भैया। और मैं आपको भैया एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे सबसे पहले, ताकि मैं आपको व्यूवर्स को बता दूँ यहाँ पे मैं लाइव खोलता हूँ, एक मिनट मेरे को समय चाहिए भैया बस थोड़ा सा। ये देखिए भैया यहाँ पर लाइव देखिए एक फोटो से भैया जो मैंने डाला था ना $27.62 बना है समथिंग, इसे हम $28 बोल सकते हैं। देन भैया यहाँ पर देखिए एक फोटो से $24, $21, $17, $10 जो है कि इस तरीके से करके भैया हमारा फोटो से पैसा बन रहा है, जिसका प्रूफ भैया मैंने आपको आगे सेंड किया है, आपने खुद देखा है लाइव भैया है कि नहीं। सही बात है। अच्छा ये बताइए हमको कि जो ये फोटो आपने कैसे अपलोड किया, कैसे बनाते हो, वो तो आपने बता दिया। एक तरीके से कह लें कि आप मूवी देख देख के पैसा कमाना शुरू कर दिए। आप मूवी देख रहे हो और मूवी का एक पार्ट आपने स्क्रीनशॉट लिया और उस वही लोगों से पूछा कि इस मूवी में यह पार्ट या सीन कहाँ पर है, और जो लोग मूवी देखे हैं वो बताएंगे। ठीक, जैसे अभी एग्जाम्पल मैं बताऊँ, कुछ लोग अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊँ, इन्होंने बाहुबली मूवी देखा। ठीक है, तो भोजपुरी की बात करें, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इन्होंने बाहुबली मूवी देखा और बाहुबली मूवी में इन्होंने एक स्क्रीनशॉट लिया जब वो शिवगामी देवी रहती है ना, क्या नाम था, और बाहुबली उसका गला देते हैं, तो ये पूछेंगे कि इन्होंने गला कहाँ है, तो जो मूवी देखेगा बताएगा भैया वो तो क्या नाम था जो राजा था भल्लाल देव उसके दरबार में। उसी तरीके से भैया मैं बताना चाहूंगा भैया उसी तरीके से जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को कहां पर तलवार से गोबा था, इसका मैं एक क्यूज बना दूंगा। अगर देखा जाए तो वो भलाल देव जो है कि क्यों उनको जो है कि डाला था जेल में, इस तरीके से क्यूज बना देंगे। तो जो लोग बाहुबली का फिल्म भैया देखे होंगे वो लोग जरूर बताएंगे कि नहीं वो जो है कि उन्होंने बोला था इस तरीके से, इसलिए उनको उठा करके जेल में डाल दिया था। लोग कमेंट करेंगे, अपना अपना विचार मारेंगे, फिर लोग यहाँ पर जो है कि बताएंगे कि कटप्पा ने जो है कि बाहुबली को यहाँ पर जो है कि तलवार से गोबा था, इस तरीके से भैया सब हम क्यूज बनाते हैं। और भैया एक बात और बता दूं कि मैं आपको व्यूवर्स को ये कहना चाहूंगा कि अगर इन भाइयों को समझ नहीं आ रहा है तो आपके जरिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर देने का कष्ट कीजिएगा लक्ष्मण अर्निंग को, वहां पर लोग जाकर के भैया इन चीजों को मैं हमेशा एक एक तरीका से भैया पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके बहुत सारे वीडियो लेके आया हूँ, लोग वहां से पूरा डिटेल को सीख सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कसम से कह रहा हूँ भैया, जो एक बार फेसबुक को मोनेटाइज कर लिया बोनस वाला ऑप्शन, समझ लीजिए भैया कि वो लाखों रुपए कमा सकता है, जैसा कि मैंने प्रूफ शुरू में भी दिखाया और अभी दिखाता हूं। यहां रहा ये प्रूफ, $1136 भैया, कोई कम नहीं होता भैया। आप इंडियन रुपए में खुद ही अपने आप बता दीजिए बोल करके लोगों को कितना रुपए बनता है। अब ये आई थिंक पड़ेगा ये 80-90 हज़ार रुपए के आसपास पड़ेगा ये। हाँ हाँ भैया हाँ, अगर 80 से हजार में ही गुणा कर दिया जाए तो 80 यही हो गया, 100 वही 90 हज़ार के आसपास धर लीजिए, ऊपर ही जाएगा 80-90 हज़ार के आसपास ये होगा, कुल मिलाकर 1,00,000 रुपए के आसपास है ये मान लीजिए। चलिए अब एक चीज बताइए हमको, जैसे स्टार्टिंग में मान लो फोटो फोटो क्यूज कैसे बनाया जाता है, आपने ये तो बता दिया, अभी एक सवाल सभी के दिमाग में होता है यार, हम फेसबुक पेज की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि हमारा पेज ग्रो नहीं होता, रीच नहीं आती, फॉलोवर नहीं होता, तो कमेंट और व्यूज पैसा कमाना तो बहुत दूर है, तो वो क्या प्रॉब्लम है, कैसे शुरुआत करें, आप ये बताइए। देखिए भैया ये तो हम लोगों के पास ही इसका उत्तर है और सवाल तो हम लोग बनाते हैं भैया और ढूंढने लगते हैं उत्तर किसी और से, ये मैं सही बता रहा हूँ भैया। जैसे देखिए जब मैं शुरू में पेज अपना स्टार्ट किया था उस समय मेरे मन में ये सवाल आ रहा था, साला कहीं ये ग्रो होगा कि नहीं होगा, कहीं ये मेरा लाइफ तो नहीं बर्बाद कर देगा, ये लोग झूठ तो वीडियो नहीं बनाते हैं, ये लोग इतना इतना डॉलर दिखाते कि मैंने इतना फेसबुक से कमा लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, घर ले लिया, मोबाइल ले लिया, वो ले लिया, ये सारा चीज़ को देखते हुए मैं फेसबुक पर जब आया था तो मैं सोशल मीडिया पर ही ले लेता हूँ, फेसबुक नहीं क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी, ये सारा सिस्टम को देखते हुए मैं आया था, तो मुझे यही लग रहा था कि भैया ये क्या होगा, तो मैंने सोचा चलो काम किया चालू कर दिया जाए। तो जब मैंने पेज बनाया उसके बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ गए, अरे भैया मैंने तो पेज बना लिया, अब मेरा जो है ये फोटो वायरल कैसे होगा, मैं फोटो पोस्ट करूंगा तो इसे देखेगा कौन, कहां ये जाएगा, क्या हम लिखेंगे कि हमारा सबसे ज्यादा लोगों के यहां फोटो पहुंचेगा, ये सब सवाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा आता है। तो भैया इन सभी का एक ही उत्तर है कि आप अपना काम करो, फेसबुक आपका काम करेगा। अभी आप नहीं समझे, मैं
पहले समझा देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक फोटो पोस्ट कर दिया, अब सबसे पहले उस फोटो को हमको ये देखना होगा कि हम जो फोटो पोस्ट कर रहे हैं वो फोटो हमारा किस कैटेगरी में है। बात आप ध्यान रखना, क्योंकि देखिए भैया क्या करते हैं कि लोग ये भी गलती करते हैं कि वो लोग भैया ना कोई दूसरा फोटो पोस्ट करेंगे और कैटेगरी ही दूसरा सिलेक्शन कर देंगे। जैसे मानिए भैया वो लोग कैमरामैन पे काम कर रहे हो, या कोई हेल्थ पे काम कर रहे हो, या कोई जो है कि म्यूजिक्स वाले में काम कर रहे हैं फोटोज पे, या कोई अदर पे काम कर रहे हो, तो वो लोग कभी क्या कर दे, कोई इस तरह डिजिटल सेलेक्ट कर देगा तो कोई अनदर सेलेक्ट कर देगा, है कैटेगरी कोई फोटो किसी और का काम कर देंगे किसी और पे। तो भैया वो पक्का है कि लोग वो देखेंगे नहीं, क्योंकि उनका कैटेगरी वो कैटेगरी सेलेक्ट किया है। अगर ले लीजिए म्यूजिक का, तो म्यूजिक का वो लोग सेंड जो है कैटेगरी उनका फोटो भेजेगा, और म्यूजिक वाले उनको जो है यहाँ पे गेम वाला फोटो दिखाएगा, तो म्यूजिक वाले भैया जरा सा बात है कि जो है कि गेम वाले फोटो को लाइक करेंगे नहीं। बोलिए भैया सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? सही बात है। हाँ तो भैया यही चीजें हैं। और उसके बाद भैया एक चीज है कि आपको सबसे पहले तो फेसबुक पे ना भैया समय रखना बहुत ही जरूरी आवश्यक होता है भैया, क्योंकि फेसबुक पे अगर आप फोटो डाल रहे हैं ना भैया, ये यूट्यूब अंडर वीडियोज वाला काम नहीं भैया, फोटो वाला काम है। यहाँ पर आपको कम से कम एक साथ 5 से 8 फोटो को पोस्ट करना है, और कम से कम आपको ये काम 2-2 घंटे में करना है, मैं बार बार आपको सिखाता हूँ। उसके बाद आपको वायरल हैशटैग के, वायरल टैग्स के, रिफ्लेक्शन के, टाइटल्स के, रीच के लिए, इंप्रेशन के लिए काम पड़ता है, जिसका जो जानकारी है मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट भी अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण पे बता रखा है, जाके अंदर देखेंगे वो Part 2-3 में मिल जाएगा आपको। वहां से आप फोटो को बस स्कैन करेंगे ना, सही बता रहा हूं भैया, आप जाके देख लेना बस फोटो भैया, जैसे फोटो है ना क्यूज वाला, कोई भी अगर आप फोटो को वहां स्कैन कर देंगे तो वो तुरंत ही हैशटैग निकाल के दे देता है कि आप इसका हैशटैग यूज कीजिए, उससे काफी लाभ होता है भैया। इसी तरीके से ना भैया बहुत सिस्टम है भैया, बस जानकारी हम लोग दे दे रहते हैं, अगर लोग इस डिटेल्स को अगर इस सिस्टम से फॉलो करेंगे भैया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उनका 15 दिन के बाद पेज पे अच्छे खासे इंप्रेशन रीच आना चालू हो जाएगा। फिर उनको वाकई पता लग जाएगा, जब उनको अर्निंग मिल जाएगा, जब उनका कोई ना कोई बोनस या एड्स ऑन रील या इंस्टेंट एड्स कोई ना कोई ऑप्शन खुल जाएगा, तब उनको पता लग जाएगा। जब अर्निंग आकर के उनके झोले में गिरेगा ना भैया, तब पता लगेगा कि हाँ कि फेसबुक है क्या वाकई में। सही बात है। चलिए एक बात बताइए, जैसे बहुत सारे लोगों को जैसे रीच अगर बढ़ाना हो, ठीक, अपनी फेसबुक पे रीच बढ़ाना हो, तो क्या वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? हाँ भैया, ये सवाल तो आपने पूछ के लिया ऐसा लाइव में कि हमको बताना ही पड़ेगा। देखिए भैया, हम आपको बताना चाहेंगे, ये सवाल जो आपने कहा है, लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि नहीं, तो देखिए भैया सबसे पहले लोग ग्रुप में कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब दो का सजेशन एक है कि देखिए, अगर मानिए भैया हम आप हमारे दोस्त हैं, सपोर्ट आप हमारे दोस्त हैं, मैंने एक चैनल बना लिया, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, भैया आप भी यूट्यूब पे काम करते हैं, आपको लाइक देन यही मैं बता रहा हूँ, चाहे फेसबुक का क्यों ना, दोनों का सिस्टम यही है, वीडियोज का चाहे फोटोज का। तो मैंने भैया आपको जो है 10 मिनट का वीडियो बनाया था, उसमें से मैंने आपको दे दिया कि भैया आप मेरा वीडियो को देख लीजिएगा, और आप मेरे दोस्त हैं, मैंने आप पे भरोसा किया, आपने हमारे वीडियो को जो कि 10 मिनट का वीडियो है, आपने शुद्ध 1 मिनट भी नहीं देखा, 2 मिनट मान लीजिए देखा, और उसके बाद आपने कट कर दिया, तो भैया आप भी जानते हैं कि इससे हमारा वॉच टाइम बिगड़ेगा, एक तो हम खुद नए हैं और ऊपर से हमारा मित्र ही वॉच टाइम बिगाड़ देगा, तो भैया कहाँ से हमारा जो है चैनल आगे तक बढ़ेगा, क्योंकि यूट्यूब और जो है कि ये सब फेसबुक वाले पहले ही समझ लेंगे कि ये बंदा काम बेकार किया है, तभी तो नए व्यूअर्स के यहाँ गया, इसने लिंक भेजा तो उसने पूरा नहीं वॉच किया। बोले भैया सही बोल रहे हैं ना? सही बात है। वो मतलब क्या होता है कि जो एकदम वो समझ जाता है कि जब लोगों के पास वीडियो गया या फिर फोटो गया, उन्होंने एंगेज नहीं दिखाया, जिसका मतलब इसमें दम नहीं है, तो वो स्किप कर देंगे आपकी पोस्ट को। हाँ भैया, तो यही है सिस्टम, यही लोगों को समझना होगा ग्रुप में, कि वो लोग जो ग्रुप में फोटो शेयर कर रहे हैं, वो ग्रुप पहले ये देखें कि वो ग्रुप में फोटो कैसा पोस्ट हो रहा है, मेरे कैटेगरी का पोस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काफी लोग ये करते हैं, ग्रुप तो ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पे उनका यही पता चलता है कि वो उस कैटेगरी में था ही नहीं, उसमें कुछ अदर डाला जाता है म्यूजिक, और इधर से लोग डाल रहे हैं अपना फोटो, तो भैया कहां से वायरल होगा, कोई नहीं क्लिक करेगा, बल्कि आपका खुद का इंप्रेशन, खुद का आपका रीच बिगाड़ेगा। और जैसे ही आपके 50-100 लोग आपके ग्रुप जरिए अगर आपके रीच को बिगाड़ दिए ना, तो आपका कतई ग्राफ जो होता है ना, देखिएगा भैया तीर होता है उसको, अगर वो ग्रीन ऊपर जाता है तो आपका वायरल होता है, अगर वही ग्रीन डाउन हो जाए, चाहे ब्लैक हो जाए, चाहे रेड हो जाए ना भैया, तो समझिए कितना भी आप दम लगाते रह जाएंगे, रगड़ते रह जाएंगे, आपका वायरल नहीं होगा। इसलिए भैया मैं कहूंगा कि अगर आप शुरू में नए हो तो आप ग्रुप में नहीं, बल्कि आप हर जगह शेयर करो, लेकिन वही शेयर करो जहां आपकी कम से कम 10 मिनट वीडियो को लोग 8 मिनट 7 मिनट तक देख सके, इससे नीचे नहीं, तभी आपका रिजल्ट अच्छा खासा यूट्यूब को समझ आएगा, या वो फेसबुक ही क्यों ना हो, दोनों को तभी समझ आएगा, तभी वो लोग कहेंगे कि ये जो इनका फोटो है, चाहे ये वीडियो है, लोग अच्छा से इनको जो है रिस्पांस दे रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, तो आपको रीच ऑटोमेटिक मिल जाएगा और उसके बाद आपका फोटो वायरल हो जाएगा, यही होता है एक सच्चाई। अच्छा, ये फेसबुक फोटो पे आप हैशटैग वगैरह भी यूज करते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हैशटैग से फोटो वायरल होती है, तो क्या ये सच्चाई है? भैया देखिए, ये सच्चाई है, सही है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यही तो भैया कला है। अच्छा आप ये बताइए भैया, कि आपको मान के चलिए आपको जाना है दिल्ली,
लाइक देन ये सभी लोग जानते होंगे दिल्ली, या मान लीजिए आपको हमारे यहाँ आना है यूपी में, तो ये बताइए भैया आपको रास्ता तो पता होना चाहिए ना। रास्ता के साथ साथ अगर आपको मेरे यहाँ आना है तो आपको मेरे गांव का रोड भी तो पता होना चाहिए, रोड भी तो होना चाहिए मेरे लिए। आप उड़ के तो भैया डायरेक्ट मेरे यहाँ आ नहीं सकते, बोलिए भैया। हाँ भैया, तो यही मैं आपको बताऊं कि सेम इसी तरीके से ना भैया यहाँ पर कार्य करता है हैशटैग। देखिए भैया, आप जब हैशटैग डालते हैं तो उनमें से क्या होता है कि मिलियन मिलियन वाले लोग जो होते हैं, जिनके रीच पे अच्छा खासा लाइक सब उनके फोटोज पे आया होता है, रीच पे आया होता है, इंप्रेशन आया होता है, वो लोग हैशटैग यूज करते हैं। और देखिए भैया क्या होता है कि जब हम लोग हैशटैग को यूज करते हैं उनके वायरल किए गए चीज़ों को, तो उनका जब फोटो चलता है ना भैया, चाहे उनका जो वीडियो चलता है ना भैया, तो यूट्यूब भी उन्हीं हैशटैग के जरिए हमारा वीडियो भी उनके नीचे सजेशन में डाल देता है। उनके पास नहीं डालता है तो भैया इतना कन्फर्म है कि 2 से 3 के नीचे तो डाल ही देता है। और इसमें लोगों को ये होता है कि उन्हीं थंबनेल को देखते हुए लोग यहां पे आपको क्लिक करते हैं और आपको मिलता है व्यूज, लाइक्स, और भैया ज्यादा से ज्यादा उसी पे आपको इंप्रेशन, रीच मिलता है। तो भैया हैशटैग यूज करना वाकई में 100% जरूरी है, क्योंकि भैया अगर आप हैशटैग यूज नहीं करेंगे, इसी तरीके से आप पोस्ट डालेंगे तो बाई चांस फोटो वायरल होता है और वो आपके मेहनत पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप हैशटैग टाइटल सही से डालेंगे, रिफ्लेक्शन सही से डालेंगे, टैग सही से डालेंगे, तो आपका जो पेज 1 साल में ग्रो होने वाला होगा वो पेज आपका 1 से 2 महीने के अंदर ग्रो हो जाएगा। अच्छा, आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से फेसबुक पे फोटो अगर वायरल करना है या फिर पेज को ग्रो करना है तो पर डे कितने पोस्ट डालना चाहिए रेगुलर, और कौन से टाइम पे डालना चाहिए? देखिए भैया, ये सवाल एकदम बिल्कुल आपने जबरदस्त किया है। मैं बता दूं कि अगर लोग नए हैं, यहां पे डिपेंड करता है भैया 3 चीजें, अगर लोग नए हैं या लोग जो है पुराने हैं, या लोग यहाँ पर काम कर रहे थे और उनका बीच में ही लाइक आना, रीच आना, इंप्रेशन आना बंद हो गया, यहाँ पर ये 3 लोगों का सिस्टम है। तो देखिए भैया, पहला चीज, अगर लोग नए हैं भैया तो उनको समय धारण करना होगा और उनको भैया अनलिमिटेड फोटो पोस्ट करना होगा। लेकिन भैया अनलिमिटेड में भी राज है भाई, उनको 12 घंटे में कम से कम 1 फोटो के साथ 4 से 5 फोटो को अपलोड करना है, और जो है बारी बारी एक ही हैशटैग के साथ नहीं, बारी बारी अलग अलग हैशटैग को चेंज करके, उसके बाद उनको 2 से 3 घंटे का गैप रख करके कम से कम इस काम को 5 से 6 बार अपलोड करना है। उसके बाद जो लोग पुराने हैं और उनको उनके पेज पे अच्छे खासे इंप्रेशन, रीच उच नहीं मिल पा रहा है, नहीं उनके जो है कि पेज पे लाइक्स आ रहा था बट बीच में रुक गया, तो उनका उनका कारण है भैया समय। जी हाँ भैया, वो लोग पहले तो समय से डालते थे, अब वो समय अपना चेंज कर दिए। उसके बाद भी अगर वो समय चेंज नहीं किए, उसी समय पे डाल रहे हैं, तो भैया उनको अपने कंटेंट में क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है, उनको अपने कंटेंट में अच्छा चीज़ लाने की जरूरत है, या अगर वो चीज़ वही पुराने वाले काम कर रहे हैं तो उनको अब नया चीज़ें करने की जरूरत है, तब जाके भैया उनके भी लाइक्स आना, रीच आना, इंप्रेशन आना चालू हो जाएगा। चलिए एक चीज़ लास्ट में कोई चीज़ बताइए, आपकी मंथली अर्निंग कितनी हो जाती है फेसबुक पे ये फोटो पोस्ट अपलोड करके? भैया आप जो है ये चीज़ें पूछे हैं तो आपको पता है भैया कि ये YouTube पे बताना इलीगल है, लेकिन हम मोटे तौर पे भैया आपको बता देना चाहेंगे कि वो जो शिफ्ट एक होती है ना, शिफ्ट, हाँ, शिफ्ट डिजायर, वो उसको हाँ हाँ वो उसको आप मान के चलिए कि मैं उसको जो है ले सकता, मतलब ये कह लें कि 4 से 5 लाख आसपास होगा रनिंग। हाँ भैया ये बिल्कुल एकदम क्रिएट है, इतना तो भाई आम बात है भैया, और पेज अगर वायरल हो जाता है तो इसी से तो अधिकार भी हम लोग रेल देते हैं। सही बात है। तो आई होप इनकी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो बेसिक चीज़ें हैं। अब सोचो पूरा का पूरा यहाँ उतार, मतलब कि फ़ोटो कैसा, अब ये सब नॉर्मल चीज़ें भी हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट था वो इन्होंने बता दिया इस वीडियो में। तो आई होप वीडियो पसंद आ गई होगी। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर ये यूट्यूब टिप्स भी देते हैं, ठीक है, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फेसबुक पेजेस का लिंक नहीं डालूंगा क्योंकि उससे दिक्कत हो जाती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया के यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बता दूं ये जो बंदा यहाँ खड़ा है ना, ये भैया के चलते ही खड़ा है। अगर ये आज पॉडकास्ट लोगों का ना लेते और लोगों का ना दिखाते तो शायद ये मोटिवेशन मेरे अंदर नहीं मिल पाता, और शायद आप ये जो लक्ष्मण अर्निंग का चैनल देख रहे हैं ना, ये भी शायद आप ना देख पाते। चलिए बहुत बढ़िया, वैसे आप काम करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका जरूर कर लो यार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।